बीते दिनों देश भर में दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की। आप सबने भी अपने घरों में पटाखे तो जलाए होंगे, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि क्या आपने किसी को कार में पटाखे फोड़ते हुए देखा है, तो आप भी कहेंगे कि अरे भाई, कार भी कोई पटाखे फोड़ने की जगह है। हालांकि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कार के ऊपर स्काई शॉट पटाखे जलाकर आतिशबाजी की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे चलती कार की डिग्गी के ऊपर रखकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इसी दौरान कार के पीछे चल रहे किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला हरियाणा के गुरुग्राम का है, जहां कुछ युवकों को कार के ऊपर से पटाखे फोड़ने का खुमार चढ़ा हुआ था। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि साइबर हब के पास चलती कार के बूट स्पेस के ऊपर स्काई शॉट पटाखे फोड़े गए। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि काले रंग की कार DLF फेज 3 की ओर से बढ़ती दिखाई दे रही थी। चलती कार में काफी दूर तक पटाखे फोड़े गए। कार सवार युवकों को ना तो अपनी परवाह थी और ना दूसरों की। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि जांच में गाड़ी के नंबर से मालिक की पहचान की गई, जिसके बाद पता चला कि उसने नकुल, जतिन और कृष्ण नाम के युवकों को अपनी कार बेचने के लिए दे रखी है। इसी आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जानकारी के अनुसार तीनों दोस्त हैं और पुरानी गाड़ियों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। फिलहाल युवकों के अजीबोगरीब शौक ने उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कार में बैठे लड़कों की ये मस्ती किसी के लिए हादसा भी बन सकती थी। हालांकि गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। खैर, इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले।